टॉपिक करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग सो इस चैप्टर में ये लास्ट टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इस लेक्चर में देखेंगे हम कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या क्या होते हैं कौन कौन से टाइप्स के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इसके अलावा प्रीवियस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखे हैं उन क्वेश्चन को हम देखेंगे लास्ट में उससे पहले हम सारे कंसेप्ट समझेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है क्यों होती है कैसे होती है कौन कौन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है टाइप्स क्या होते हैं इसके ठीक है तो चलो बच्चों कॉपी पेन निकाल लो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रहेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग सो so, सबसे पहले डेफिनेशन व्हाट इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो अगर मेरे पास कोई भी एक हाइड्रोजन रहेगा और साथ में कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेगा तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड ए हाइड्रोजन बॉन्ड तो मेरे पास अगर कोई भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पता है हमें तीन होते हैं कौन कौन से हैं फॉन एफ ओ एन फ्लोरिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये तीन हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो इनका हाइड्रोजन के साथ इंट्रेक्शन क्या कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है और जो हाइड्रोजन बॉन्ड की एंथेल्पी होती है ये एट टू फोर्टी टू किलोजूल्स पर मोल वेरी करती है ठीक है अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है तो अप टू फोर्टी टू किलो जूस पर मोल तक जा सकती है और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम है तो एट टू टेन किलो जूस पर मोल तक भी रह सकती है तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक है और जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इट इज वीकर देन कोवलेंड बॉन्ड एंड स्ट्रांगर देन द वंडरवॉल इंट्रेक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक है देखो जैसे मेरे पास फ्लोरीन है ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है ये तीनों ही फॉर्म कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड मगर कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रांगेस्ट होगा तो देखो जो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मीन्स कंपाउंड में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कंपाउंड में जो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो उतनी ही ज्यादा होगी जैसे इसमें फ्लोरीन है तो फ्लोरीन जो है हमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी आती है ऑक्सीजन की उसके बाद ये वाला स्ट्रांग होगा और सबसे कम स्ट्रांग कौन होगा यह वीकेस्ट कौन होगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं सबसे स्ट्रांगेस्ट फ्लोरीन वाला देन फिर ऑक्सीजन वाला और देन फिर नाइट्रोजन वाला तो ये रहेगा मेरे पास सीक्वेंस तो एक बात ध्यान रखनी है जितना ज्यादा कंपाउंड इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा जो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो उतनी ही ज्यादा रहेगी ठीक है तो सिंपल सा तो हाइड्रोजन क्या होता है द बॉन्ड फॉर्म द हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड इसके अलावा जो इसकी एंथैल्पी होती है एट टू पर मोल होती है इसके अलावा जो स्ट्रेंथ होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कंपाउंड जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है वो कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उसकी स्ट्रेंथ क्या होने वाली है नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो दो टाइप्स के होते हैं फर्स्ट इज इंटर मोलिकुलर हाइड्रीजन बॉन्ड एंड सेकेंड वन इज इंट्रा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड अब देखो इंटर और इंट्रा में डिफरेंस क्या होता है जैसे आपने वर्ड सुना होगा इंटरनेशनल तो इंटरनेशनल मतलब क्या होता है बिटवीन टू दो अलग अलग नेशन के बीच में तो जो इंटर मोलिकुलर हाइड्रीजन बॉन्ड होता है डेफिनेशन तो अगर मैं लिख दूं सो द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड दो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे कहते हैं इंटरमोलिक और इंटर क्या होता है इंटर मतलब क्या होता है विदिन जैसे आपके स्कूल में अगर कॉम्पिटिशन हो रहा है लाइक like एग्जाम्पल लेते हैं हम आपके स्कूल में कोई कॉम्पिटिशन हो रहा है तो अगर सिर्फ स्कूल के बच्चे उसी स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो क्या हुआ इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हुआ अगर बाहर वाले स्कूल वाले आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें तो वो एक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हो गया तो इंटर मतलब क्या होता है जब अलग अलग आ जाते हैं और इंटर क्या होता है विद इन तो अगर मैं इंट्रामोलिकुलर हार्ड जो बॉन्ड की डेफिनेशन देखूं सो so, इंट्रामोलिकुलर है द बॉन्ड फॉर्म इन बिटवीन द मोलिक्यूल तो मॉलिक्यूल के अंदर ही जो बॉन्ड फॉर्म हो जाता है दैट इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर इसमें क्या हो रहा था बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू मॉलिक्यूल दो अलग अलग मॉलिक्यूल थे उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा था दैट इज कॉल्ड इंटर मोलिक्यूलर हाइड्रीजन बॉन्ड जबकि इंट्रा में क्या है द बॉन्ड फॉर्म इन बिटवीन द मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के अंदर ही बॉन्ड फॉर्म हो जा रहा है अगर मैं इसका एग्जाम्पल देखूं तो जैसे लाइक like सपोज करो मेरे पास एच है एक बर्तन है उसमें हमने ले रखा है एच अब एच के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे तो जब एच के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा देखो हाइड्रोजन है और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये रहा मेरे पास हाइड्रोजन और ये रहा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो ऐसे अगर मेरे पास बहुत सारे एच होंगे तो देखो इस फ्लोरिन का इस वाले हाइड्रोजन से इस फ्लोरिन का इस वाले हाइड्रोजन से तो ये जो बन रहा है देखो ये एक मॉलिक्यूल ये दूसरा मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल तो जो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड तो ये जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है और किस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड है इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड है अगर हम बात करें इंटरमोलिक हाइड्रोजन बॉन्ड की तो जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका ऑर्थो ये मेरे पास है ऑर्थो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इसमें जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में होगा तो देखो ये मॉलिक्यूल तो एक ही है तो मॉलिक्यूल ने क्या किया अपने आप में ही बॉन्ड फॉर्म कर लिया मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया इसमें क्या था दो अलग अलग मॉलिक्यूल आ रहे थे उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था इसमें मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल के अंदर ही बन जाता है दैट इज कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ये वाला जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है और जो ये वाला बॉन्ड है ये कौन सा है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो क्लियर है तो इंटर मॉलिक्यूलर के हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का सबसे पहला एग्जाम्पल तो मैंने आपको बताया कि एच होगा तो एच में जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स से एच के वो क्या कर लेंगे बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल वाटर वाटर में कौन सा बॉन्ड होता है इंटर मोलिकुलर हाइड्रीजन बॉन्ड होता है तो वाटर जो होता है उसका शेप ऐसा होता है शेप इसके पास दो लोन पेयर होते हैं तो यहां से क्वेश्चन आता है कि जो वाटर है वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है तो इसका आंसर है वाटर कैन फॉर्म फोर हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक है ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आए हुए हैं ध्यान रखना पानी कितने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है तो आंसर इज चार चार हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है वाटर कैसे देखो एक एच टू हमारे पास ये होगा यहां से फॉर्म कर लेगा एक एच टू हमारे पास ये है इसने यहां से फॉर्म कर लिया फिर एक करेगा लोन पेयर से फिर इस दूसरे लोन पेयर से एक करेगा तो यहां पर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म किए एक वाटर मॉलिक्यूल ने चार हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म किए तो वन वाटर कैन फॉर्म फोर हाइड्रोजन बॉन्ड इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं अमोनिया जो अमोनिया है ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है इसके पास नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ऐसे ही दूसरा एनएस थ्री होगा तो ये हाइड्रोजन और ये एनएस थ्री क्या कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं ऐसे ही ये सब भी कर सकते हैं ठीक है चौथा एग्जाम्पल लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं दे कैन ऑल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड और सबसे जबरदस्त बात तो यह है कि इनका हाइड्रोजन बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है कि इवन इन विपर फेज टूटता नहीं है जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं लाइक like, सपोज करो कि मेरे पास इस बर्तन में पानी है अब पानी है तो पानी में क्या हो रखा होगा पानी में वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रखा होगा अगर आप इस वाटर को हीट करोगे तो हीट करने पे क्या होगा पानी उड़ेगा तो वाटर जो है वो सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा उड़ जाएगा तो जब पानी सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल उड़ गया तो उड़ने से पहले क्या क्या होगा इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा ना तभी तो उड़ेगा तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया तब उड़ा अब सपोज करो कि मेरे पास एक दूसरा बर्तन है उसमें मैंने डाल रखा है फॉर्मिक 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 एसिड 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 ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे होंगे तो के बीच में भी क्या होता है फॉर्मिक एसिड के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ होता है अब अगर मैं इसको हीट देके उड़ाता हूं तो हीट देके उड़ाता हूं तो बताओ क्या उड़ेगा अगर मैं इसको हीट दूं, तो बताओ क्या उड़ेगा तो फॉर्मिक एसिड के दो दो मॉलिक्यूल साथ में उड़ेंगे ठीक है पानी में क्या होता है पानी का सिंगल मॉलिक्यूल उड़ रहा था मगर फॉर्मिक एसिड में क्या हो रहा है फॉर्मिक एसिड के दो मॉलिक्यूल एक साथ उड़ रहे हैं अब ऐसा क्यों हो रहा है चलो देखते हैं इसका रीजन सो so, रीजन बहुत सिंपल सा है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है फॉर्मिक एसिड में वो इतना स्ट्रांग होता है कि वेपर फेज भी टूटता नहीं है वो द बॉन्ड बिटवीन द फॉर्मिक एसिड या कोई भी कार्बोक्सिक एसिड हो वो इतना स्ट्रांग होता है कि वेपर फेज में भी टूटता नहीं है ठीक है अगर मैं इसका बॉन्ड बना के दिखाऊं आपको तो वो कुछ इस टाइप से बनेगा हम बॉन्ड बनाने वाले हैं एचसीओ एच का तो ये मेरे पास कार्बन हो गया दिस इज वन मॉलिक्यूल ऐसे ही ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल हो गया ऐसे ही इसका दूसरा मॉलिक्यूल होगा ये एक मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल अब देखो ये वाला हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन से फॉर्म कर लेगा बॉन्ड ये वाला ऑक्सीजन इस वाले हाइड्रोजन से फॉर्म कर लेगा तो ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है और इतना स्ट्रांग होता है कि वेपर फेज में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो दो दो मॉलिक्यूल एक साथ उड़ते हैं ये पूरा मॉलिक्यूल उड़ेगा जब वेपराइज होगा तो ये पूरा मॉलिक्यूल होगा अगर आप ट्वेल्थ में हो और ये लेक्चर देख रहे हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तो आप इसको रिलेट कर पा रहे हो गए से जहां पर हम वेंटर फैक्ट्री निकाला करते थे और एसोसिएशन का केस होता था तो उसमें हम निकालते थे परसेंटेज एसोसिएशन सो हमारे पास फॉर्बिक एसिड अब देखो जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे सब में यही कहानी चलती है लाइक मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड का लाइक वी हैव दिस इथेनोक एसिड और एस्टिक एसिड तो देखो इसमें भी सेम केस चलेगा गेरा मेरे पास एक मॉलिक्यूल इथेनोइक एसिड का ऐसे ही मेरे पास इसका एक दूसरा मॉलिक्यूल रहेगा ये रहा इसका दूसरा मॉलिक्यूल अब इनमें इस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा और इतना स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक साथ उड़ेगा अगर मेरे पास एक बर्तन में मैं एस्टिक एसिड रखता हूं और इसको मैं नीचे से हीट दूं तो हीट देने के बाद जो मॉलिक्यूल उड़ेगा वो ये वाला मॉलिक्यूल होगा नॉट दिस ये दो दो मॉलिक्यूल साथ में उड़ेंगे ठीक है तो मेरे पास अगर फॉर्मिक एसिड है या इथनोइक एसिड है या बेंजोइक एसिड है तो अगर कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सारे सेम केस फॉलो करते हैं सेम तरीके से उड़ते हैं ठीक है तो देखो देख लेते हैं हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का तो एग्जाम्पल में एच हो गया एस हो गया एन हो गया सारे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए तो चार एग्जाम्पल हो गए नेक्स्ट देखते हैं पांचवा फिफ्थ इज पैरा नाइट्रोफिनोल तो चलो बनाते हैं पैरा नाइट्रोफिनोल देखो अगर आपको निमिंग नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल तो आप इसका स्ट्रक्चर को याद कर लो जब आईपेड के नियम पढ़ोगे आप तो आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगा ये ये है मेरे पास पैरा पैरानाइट्रोफिनॉल तो एक और दूसरा मॉलिक्यूल होगा साथ में इसके अगर मेरे पास बर्तन में मैंने पैरा नाइट्रोफिनॉल ले रखा है तो एक मॉलिक्यूल तो इनके लिया नहीं होगा बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे तो ये रहा एक पैरा पैरानाइट्रोफिनॉल ऐसे ही दूसरा ही रहेगा एक पैरानाइट्रोफिनॉल तो देखो ये मेरे पास दो पैरा पैरानाइट्रोफिनॉल के मॉलिक्यूल हो गए दो मॉलिक्यूल के बीच में जो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बनता है दैट इज इंटर मोलिकुलर तो यहां पर देखो बॉन्ड कैसे बनेगा इस ऑक्सीजन और इस हाइडन के बीच में बन गया ऐसे ही ये वाला किसी और से बना रहा होगा ये वाला किसी और से बना रहा होगा तो ये ऐसे चलता रहता है तो ऐसे एक लंबी सी चेन बन जाएगी तो ये मेरे पास पैरानाइट्रोफिनोल होगा पैरानाइट्रोफिनोल में कौन सी बॉन्डिंग होती है इंटर मोलिकुलर हार्डिजन बॉन्ड होती है ठीक है तो इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान रखना है छठा एग्जाम्पल हो जाएगा एल्कोहल एंड वाटर अल्कोहल और वाटर एक दूसरे में सोल्यूबल होते हैं और सोलबल क्यों होते हैं क्योंकि इनके बीच में क्या बन जाता है हाइड्रीजन बॉन्ड बन जाता है तो लाइक दिस इज इथेनॉल और वाटर में जब आएगा वाटर पास में इसके तो क्या बन जाएगा इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा ये वाटर है और यहां पर क्या बन चुका है यह बन चुका है हाइड्रीजन बॉन्ड तो इथेनॉल और वाटर के बीच में बन सकता है हाइड्रजन तो, बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा इंटरमॉलिकुलर टाइप का होगा इसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लें अगर मेरे पास अमोनिया है इसको मैं पानी में घोलूं तो अमोनिया और वाटर के बीच में भी कौन सा बॉन्ड बन जाएगा इंटरमोलिकुलर टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा ठीक है तो ऐसे एग्जाम्पल हैं जो की इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के एग्जाम्पल हैं नेक्स्ट देखते हैं हम इंट्रा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के एग्जाम्पल तो इंट्रा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का सबसे पहला एग्जाम्पल हमने ऊपर देख लिया था दैट इज ऑर्थो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल दूसरा एग्जाम्पल देखें इसका ऑर्थो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ऐसा होता है और अगर मैं इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड आपको शो भी कर दूं तो कुछ इस टाइप का बनेगा सेकेंड इज बेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड तो ये इस टाइप का बनेगा ये मेरे पास बेंजीन हो गया ये ओवेच हो गया ये मेरे पास ऑर्थोहाइड्रोक्सिक बेंजोइक एसिड है इसको एक्सपेंड करके बना लिया मैंने देखो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे मॉलिक्यूल के अंदर ही बन रहा है तो इंट्रामोलिक्यूलर हो गया तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑर्थोनफिन दूसरा हो गया हमारे पास ऑर्थो तो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड तीसरा एग्जाम्पल टू सिक्स बेंजोइक एसिड ठीक है अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना दू देखो स्ट्रक्चर मैं बस आपको दिखाने के लिए बना रहा हूं जस्ट आप एग्जाम्पल याद रख लेना और अगर इतने एग्जाम्पल याद नहीं हो रहे हैं तो दो दो तीन तीन एग्जाम्पल जस्ट याद रख लेना तो सिंपली तो टू सिक्स हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ऐसा होता है मैंने इसको खोल के इस तरह से बना लिया तो देखो ये वाला हाइड्रोजन ये वाला ऑक्सीजन ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन तो यहां बॉन्ड बन जाएगा तो यहां पर भी जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा है इंट्रा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ये सब एग्जांपल्स हैं इंट्रा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के तो आप एग्जाम्पल याद रखना देखो तो ये दो तो याद ही रख लेना ऑर्थोनाइ्रोफिनॉल और ऑर्थोहाइड्रोक्सी तो बेंजोइक एसिड इसका एक और कॉमन सा नाम होता है बहुत फेमस है दैट इज सेलिसिक एसिड ठीक है इसको आपने काफी जगह अगर आपने कभी गौर किया हो तो जो फेस वॉश वगैरह होते हैं जो गार्नियर के फेस वॉश वगैरह आते हैं उसमें आप देखना कभी कंटेंट में ये होगा सेलिसलिक एसिड एक और देख लेते हैं लगे हाथों दैट इज सेलिसल डिहाइड तो दिस इज सेलिसल डिहाइड यहां पर ओवेच OH, और ये मेरे पास एल्डिहाइड ग्रुप तो यहां पर इसके बीच में ये बॉन्ड फॉर्म हो गया तो ये भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ये सारे के सारे इंटरामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के एग्जाम्पल है ठीक है दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ हाइड्रीजन बॉन्डिंग ठीक है तो इंटर और इंट्रा दो होते हैं डेफिनेशन देखी है हमने उन दोनों की इसके अलावा फिर हमने उन सबके एग्जाम्पल इंटर के हमने चार पांच छह एग्जाम्पल देखे इसके अलावा इंट्रा के हमने दो तीन चार एग्जाम्पल देखे ठीक है अब देखो हाइड्रीजन बॉन्डिंग का जो इफेक्ट है वो क्या होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो यही वाला पार्ट है देट इज द इफेक्ट ऑफ हाइड्रीजन बॉन्डिंग इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो देखो सबसे पहला जो इफेक्ट होता है वो होता है ऑन बॉलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉलिंग पॉइंट जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा बॉलिंग क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा लाइक like, अगर मैं एच एफ एच टू ओ और एन एच थ्री इनको कंपेयर करूं कि किस कंपाउंड में किस सब्सटेंस का बॉलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा तो देखो फ्लोरिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका बनेगा एच एफ का उससे कम ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव तो उससे कम जिसका बनेगा वाटर का और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है नाइट्रोजन का तो इससे कम बनेगा नाइट्रोजन का तो क्योंकि एच का का हार्डियम सबसे स्ट्रॉग है तो उसका बॉलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा एन थ्री एस टू दिन एन तो एच एफ एस टू एन थ्री में जो बॉलिंग पॉइंट का सीक्वेंस होगा वो ये हो जाएगा देखो बॉलिंग पॉइंट और बॉन्ड का रिलेशन आया कैसे अब देखो यहां से ये मेंबर है ग्रुप नंबर सेवनटीन का ये सिक्सटीन का और ये फिफ्टीन का तो यहां से देखो मैं तीन क्वेश्चन और बनाता हूं देखो अगर मेरे पास सपोज करो क्वेश्चन आया वी हैव एच एफ एचसीएल एच बी आर और एच आई इनको मुझे इंक्रीजिंग बॉलिंग प्वाइंट पे अरेंज करना है ठीक है तो देखो फ्लोरिन जो है एच एफ इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसमें तो होगा क्या यहां पर इसमें बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड जबकि इन तीनों में कौन होगा इन तीनों में वंडर फोर्स काम करेगा और वंडर फोर्स वीक होता है इस कंपेयर टू हरिजन बोर्ड तो इन चारों में से सबसे ज्यादा बॉलिंग पॉइंट किसका रहेगा सबसे ज्यादा बॉलिंग पॉइंट रहेगा एचएफ का अब उससे कम किसका रहेगा एचआई उससे कम एचबीआर और सबसे कम किसका रहेगा एचसीएल का देखो इन तीनों में वंडर की वजह से बॉलिंग पॉइंट आ रहा है तो हमें पता है कि मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर इज इ वंडरबल फोर्स तो एचआई में जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज्यादा है इसीलिए एचआई का जो वंडरबल फोर्स लगा सबसे ज्यादा लगा एच सी एल में इलेक्ट्रॉन सबसे कम है इसीलिए एचसीएल में जो वंडरबल फोर्स लगा वो सबसे कम लगा और बॉलिंग पॉइंट इसका सबसे कम रहा तो इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एचआई के पास इसलिए एचआई का वनरबल ज्यादा उसका बॉलिंग पॉइंट ज्यादा एचसीएल में इलेक्ट्रॉन कम इलेक्ट्रॉन कम तो वंडरबल फोर्स कम तो बॉलिंग पॉइंट कम जबकि जो एच एफ है एच एफ में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से सबसे स्ट्रॉन्ग बॉलिंग पॉइंट किसका रहेगा एच का रहेगा तो ये मेरे पास ग्रुप नंबर सेवनटीन का हो गया अगर मैं ग्रुप नंबर सिक्सटीन की बात करूं तो इसके में एच टू वो एच टू एस एच टू एसई एंड एच टू टीई अगर मैं इनको अरेंज करना चाहूं बॉलिंग पॉइंट के बेसिस पे तो देखो एच टूओ जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो सबसे ज्यादा बॉलिंग पॉइंट किसका होगा सबसे ज्यादा बॉलिंग पॉइंट होगा एच टू वो का सबसे कम एच टू टीई का उससे कम एस टू एसई का और सबसे कम एच टू एस का एस टू तो इवन गैस होता है ना तो ये आ गया मेरे पास ग्रुप नंबर का ऑर्डर बॉलिंग पॉइंट का इन तीनों में सेम वही इन तीनों में जो बॉलिंग पॉइंट देख रहा हूं मैं वंडरबॉल की वजह से देख रहा हूं जबकि एस टू में क्या है एस टू में देख रहे हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से फोर्स देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया तो जो बॉलिंग है बढ़ गया सिमिलरली ग्रुप फिफ्टीन में देखें तो ग्रुप फिफ्टीन में हमारे पास एन एस थ्री पीएस थ्री ए एस एस थ्री एस बी एस थ्री ये सारे होते हैं तो अगर मैं इनमें कंपेयर करूं बॉलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा बॉलिंग पॉइंट किसका होगा अमोनिया का क्योंकि अमोनिया बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड बाकी इन तीनों में लगा लेना वंडरबॉल तो सबसे कम किसका हो जाएगा पीएस थ्री का उससे ज्यादा ए एस एस थ्री का उससे ज्यादा एस बी एस थ्री का तो ये मेरे पास ग्रुप नंबर फिफ्टीन के हाइड्राइड्स के लिए हो गया द बॉलिंग पॉइंट का सीक्वेंस ठीक है नेक्स्ट केस आता है अमींस का ये ट्वेल्थ क्लास में जो चैप्टर थर्टीन है ठीक है वहां पढ़ोगे डिटेल से आप तो अभी इलेवंथ के लिए खास कोई इंपॉर्टेंट है नहीं बाकी जो ट्वेल्थ का अमीन का लेक्चर है उसमें इसको डिटेल से कवर करेंगे ठीक है तो अमीनस में भी हार्डियन बॉन्ड होता है जो प्राइमरी अमीन होता है उसका बॉलिंग पॉइंट ज्यादा होता है देन सेकेंडरी अमीन और टर्शरी का बॉलिंग पॉइंट सबसे कम होता है ठीक है तो ये इसकी जो डिटेलिंग है ये हम जब पढ़ेंगे अमीन चैप्टर तो उसी में देखेंगे ठीक है तो फिलहाल इसे स्किप करते हैं तो हाइड्रो बॉन्ड के हम देख रहे थे इफेक्ट तो इफेक्ट में सबसे पहला देख लिया था हमने बॉलिंग पॉइंट तो बॉलिंग पॉइंट जो है अगर हाइड्रियो बॉन्ड बन रहा है तो बॉलिंग पॉइंट क्या रहेगा ज्यादा रहेगा दूसरा जो इफेक्ट रहेगा दैट इज सॉलिबिलिटी अगर कंपाउंड हाइडियो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो सोलिबल होगा और नहीं फॉर्म कर रहा है तो सॉलिबल नहीं होगा तो सिंपल सॉलॉजिक लाइक एस टू ओ प्लस सी टू एच फाइव फो एच ये सोलबल होता है एक दूसरे में क्यों क्योंकि ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं हाइड्रोजन बाउंड फॉर्म कर लेते हैं थर्ड जो एप्लीकेशन रहेगा दैट इज विस्कोसिटी किसी कंपाउंड में जितना ज्यादा हाइड्रोजन बाउंड बनेगा वो उतना ज्यादा विस्कस हो जाएगा जैसे लाइक सपोज करो मेरे पास इथेनॉल है इथाइलिन ग्लाइकोल है और ग्लिसरॉल है ठीक है दिस इज इथेनॉल दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल एंड दिस इज ग्लिसरॉल. सामान्य भाषा में दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल एंड दिस इज इथेनॉल तो ग्लिसरीन आप सबने देखा होगा को कोई आपने अगर छुआ हो तो ग्लिसरीन जो है बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा सा होता है तो ग्लिस्न जो है वो इतना विस्कस कैसे हो गया क्योंकि तो देखो उसमें ग्लिसरीन में हो क्या है तीन ओवेच OH ग्रुप है और जो तीन ओवच OH ग्रुप है वो क्या कर रहे होंगे एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे होंगे जिसकी वजह से क्या होगा कंपाउंड बहुत ज्यादा विस्कस हो जाएगा तो अगर विस्कोसिटी की टर्म्स में देखूं तो सीक्वेंस ये बैठेगा जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ज्यादा विस्कस इसके पास है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा बहुत ज्यादा विस्कस इसके पास दो हाइड्रोजन बॉन्ड है दो ओवेच है तो ये ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा एज कंपेयर टू जिसके पास एक हाइड्रोजन एक ओवेच है ठीक है तो विस्कोसिटी भी बता सकते हैं हम ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि आपको ऑप्शन दे रखे थे तीन चार उसमें से आपको बताना था कि ज्यादा विस्कस कौन है तो द हर्जिंग बॉन्डिंग द विस्कॉसिटी तो ये होगा इसका एक नेक्स्ट एप्लीकेशन जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखे हैं जो एक आध क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं तो नेक्स्ट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सो वी हैव एनएस थ्री पी एस थ्री ए एस एच थ्री एस बी थ्री एंड एस टू ओ इनको हमें अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉलिंग पॉइंट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉलिंग point. अब देखो इनमें से जो ये चार हैं, इनको तो हमने अरेंज कर ही रखा है चलो दोबारा से कर लेते हैं इन चारों में से सबसे ज्यादा बॉलिंग point किसका होता है एनएस थ्री का फिर एस थ्री फिर ए एस एस थ्री और सबसे कम बॉलिंग point किसका होता है सबसे कम बॉलिंग पॉइंट होता है पीएच थ्री का अब देखो बात आई हाइड्रोजन की इसकी वाटर की अब वाटर का जो बॉलिंग पॉइंट है वो किससे कंपेयर किया जाएगा देखो ये तो कहीं रेस में आएंगे नहीं क्योंकि इनमें तो वनड्रबल फोर्स लग रहा है और वनडरबल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई कंपेरिजन नहीं हो सकता हाइड्रजन बॉउंड ऑलवेज विन्स एनएस में हाइड्रजन बॉन्ड हो रहा है और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है तो अगर एनएस का बॉलिंग पॉइंट और वाटर का बॉलिंग पॉइंट इसको मैं कंपेयर करूं तो देखो अगर आपने लेक्चर स्टार्टिंग में देखा हो तो आप इसका फट्टी आंसर कर दोगे इसमें नाइट्रोजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव और इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रो नेगेटिव तो बताओ कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉडी उतनी ज्यादा होती है तो वाटर का बॉलिंग पॉइंट क्या रहेगा एन से भी ज्यादा रहेगा तो ये हो गया मेरे पास सिक्वेंस सबसे ज्यादा बोलिंग पॉइंट वाटर का एनएस का बाकी फिर इन तीनों का तो ये क्वेश्चन आ रखा था एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम केरला पीएम टी तो केरला पीएम टी का क्वेश्चन है ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास सो दिस इज क्वेश्चन नंबर टू ये 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है केरला सी, कर्नाटका सीईटी में हमें हम इसमें बताना है कि इनमें से सबसे स्ट्रांगेस्ट जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो किसका है अब देखो फ्लोरिन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है तो उसी का हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा सबसे स्ट्रांगेस्ट होगा तो आंसर इज दिस जो फ्लोरिन का हाइड्रोजन बॉन्ड है वो सबसे स्ट्रांगेस्ट होगा इसके अलावा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं ये मैंने आपको ऊपर बता रखा है हमारे पास मिथनॉल है इथालिंग लाइकोल है और इथेनॉल है इथेनॉल इथेनॉल और इथाइलिन हमसे पूछा है कि इनमें से सबसे विस्कस कौन है तो पता है हमें मोर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर द विस्कोसिटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी वजह से होगी ओवेच की वजह से होती है अल्कोहल में इसके पास दो ओवेच है तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा विस्कस तो आंसर क्या हो जाएगा ज्यादा विस्कस में सी ऊपर बताया हुआ है ना क्वेश्चन आपको वही सेम क्वेश्चन है सो so, इस तरह से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कंप्लीट होता है ठीक है छोटा सा बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर है इससे काफी ठीक क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी सो so, आप इसको पढ़ो अच्छे से नोट्स बनाओ इसके अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल अपने फ्रेंड्स का शेयर कर दो एंड हिट द लाइक बटन थैंक्स फॉर वॉचिंग